कांग्रेस डेलीगेशन ने प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल सीएम धामी से मिलने उनके आवास पहुंचे और इस दौरान कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल में करण माहरा, पूर्व सीएम हरीश रावत, गरिमा दुस्वानी समेत कई नेता मौजूद रहे। इस बीच कांग्रेसियों ने सीएम से जोशीमठ जैसे गंभीर मसले को लेकर चर्चा की। जोशीमठ मामले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर साफ किया है कि भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहयोग का आश्वासन दिया है। जितने भी बजट की आवश्यकता होगी उन सभी संसाधनों को हम जुटाएंगे। सीएम धामी ने कहा है कि अभी हमने 86 परिवारों के 300 से अधिक लोगों को शिफ्ट किया है और 678 मकान खतरे की जद में हैं। सभी को सुरक्षित स्थान पर स्टेप बाय स्टेप पर ले जाने की हमारी योजना है। उत्तराखंड की जो हालत है उस पर चर्चा हुई, क्योंकि जोशीमठ ने सबका ध्यान आकर्षित किया, लेकिन हकीकत में जोशीमठ का अस्तित्व खतरे में, साथ में उत्तरकाशी में दरारें, बगल में कर्णप्रयाग में दरारें, रुद्रप्रयाग में आज खबर आई है कि वहाँ भी दिक्कतें हो रही हैं, आपके साथ लगा हुआ जो मसूरी वाला एरिया है वहाँ भी इस तरीके की परेशानियाँ देखने में आ रही हैं। इन सभी विषयों को लेकर हम मिले हैं और जोशीमठ में कांग्रेस के नेताओं ने प्रवास किया, मैं भी वहाँ रात रहा, हमारे हरीश रावत जी, गणेश गोदियाल जी वहाँ रात भर रहे। हमने मुख्यमंत्री से कहा कि मंत्रियों की एक ग्रुप को वहाँ आपको भेजना चाहिए जो वहीं कैंप करें और लोगों के बीच में रह के उनके राहत कार्यों का जायजा लें, क्या दिक्कतें हैं, क्या उनकी ज़रूरतें हैं, उसका आकलन करके सरकार को सूचनाएँ दें। जितने भी जो भी बजट की आवश्यकता होगी उन संसाधनों पर हम विचार कर रहे हैं, संसाधन हम सब जुटाएंगे और हमको भारत सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का हर संभव उन्होंने हमको अपना आशीर्वाद दिया है, उन्होंने सहायता का आश्वासन दिया है कि हर तरीके से सहायता करेंगे और दो स्थान वहाँ पर खोज रहे हैं, भूवैज्ञानिक उस पर काम कर रहे हैं, जियोलॉजिकल जो सर्वे है इत्यादि उसकी कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है, जैसे ही वो सब ठीक पाया जाता है तो हम उस पर आगे कार्रवाई शुरू करेंगे।